अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिवीजन। इन्वेंट्री जिसको आप लोग स्टॉक इन हैंड बोलते हो, स्टॉक इन हैंड में चार तरह की इन्वेंट्री का डिस्कशन आता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स और इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोला जाता है। कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट मटेरियल आप लोग बोलते हो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है, इसमें कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर का डिस्कशन नहीं होता। और यहां पे मैं जिन स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात कर रहा हूं, दे आर द स्टोर्स एंड स्पेयर्स विच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दे आर नॉट द मशीनरी स्पेयर्स विच विल बी यूज्ड विद द प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि इफ दे आर मशीनरी स्पेयर्स देन दे विल बी यूज्ड और दे विल बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं इन तीनों इन्वेंट्री की बात करता हूं एक 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 पैराग्राफ में। बेसिक रूल है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, दे बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी निकालने का तरीका तीनों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तीनों का जो फिनिशिंग स्टेज है, जैसे रॉ मटेरियल एकदम ही अनफिनिश्ड है, WIP पार्टली फिनिश्ड है, फिनिश गुड्स फुली फिनिश्ड गुड्स है, तो तीनों में एनआरवी निकालने का तरीका, एनआरवी का अमाउंट अलग अलग आएगा, तीनों के कॉस्ट का अमाउंट भी अलग अलग आएगा, बट यस दे आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो लेट मी बिगिन विथ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का आप पहले कॉस्ट पता कर लो। कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस सिचुएशन में और जिस जगह पे आपकी इन्वेंट्री है उसको वहां तक और उस जगह तक पहुंचाने में, उस सिचुएशन तक और उस जगह तक पहुंचाने में आपका जितना भी खर्चा लगा, दे ऑल विल बी एडेड टू फाइंड आउट द कॉस्ट। बस कॉस्ट निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल नेचर का है, जिसको आप लोग GST बोलते हो, अगर वो रिकवरेबल नेचर का इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो आप उसको इन्वेंट्री में एड नहीं कर सकते, वो एक अलग असेट होती है जिसका नाम ही GST रिकवरेबल होता है। अदरवाइज आप सारा खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में पहुंचाने में लगा है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड, इंक्लूडिंग दलाली, ब्रोकरेज और कोई भी अगर आपको रिबेट डिस्काउंट मिलता है तो वो माइनस हो जाता है। तो आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता कर लो। अब 99.99% केसेस में ना रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, और इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में घुसता है वो फिनिश्ड गुड्स कंपनी प्रॉफिट में बेच पाता है। तो जब तक रॉ मटेरियल को कंपनी, जिस फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल जाने वाला है, जब तक कंपनी उस फिनिश्ड गुड्स को प्रॉफिट में बेच पाता है, तब तक रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे ले जाना अलाउड नहीं है। तो कॉस्ट पे ही वैल्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है और रॉ मटेरियल के भी दाम मार्केट में गिरते जा रहे हैं, दो कंडीशन है, फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है और रॉ मटेरियल के दाम मार्केट में गिरते जा रहे हैं, तब रॉ मटेरियल का एनआरवी निकलता है और वो एनआरवी होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एंड द स्टोरी इज ओवर वंस एंड फॉर ऑल। तो अगर कॉस्ट 70 रुपया है, कॉस्ट जितना मैंने खरीदा था सच्ची में, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज के दिन अगर 52 है, तो हम इन्वेंट्री को 52 में वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को, प्रोवाइडेड फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है। अगर रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 52 है सच्ची में, लेकिन फिनिश गुड्स अभी भी प्रॉफिट में बिक रहा है, तो मैं रॉ मटेरियल को 52 में वैल्यू नहीं करूंगा, 70 में ही वैल्यू करूंगा। दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक उसका दाम गिरा हुआ होना चाहिए आज का परचेज प्राइस, और दो फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकना नहीं चाहिए। तो रॉ मटेरियल इज ब्रॉट डाउन टू एनआरवी एंड एनआरवी इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आइए WIP। WIP का कॉस्ट पता कर लीजिए। WIP का कॉस्ट कैसे पता चलता है? अच्छा, इस पूरे इन्वेंट्री के चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। जो कॉस्टिंग आप लोग रंजन के यहाँ या कहीं भी पढ़ते होंगे, ज्यादातर बच्चे रंजन के यहाँ पढ़ते हैं, तो उनका बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कॉस्ट
WIP का कॉस्ट निकाल लीजिए। सर कॉस्ट WIP का कैसे निकालेंगे? जितना मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड उसके पीछे आपने खर्चा किया है वो, सर अभी तो आधा अधूरा खर्चा किया है, हां तो आधा अधूरा जोड़िए। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर WIP आधा बना हुआ तो 50% कॉस्ट लीजिए, 70% WIP बना हुआ है 70% कॉस्ट लीजिए। मटेरियल 100% लग गया, लेबर ओवरहेड 70% लगा है तो वैसे करके ऐड कीजिए, बट कॉस्ट निकालिए। तो अगर WIP का आपने कॉस्ट निकाल लिया, फिनिश गुड से थोड़ा कम ही रहेगा पर यूनिट बेसिस पे। और WIP की NRV कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप सोचिए WIP का NRV निकालने के लिए WIP का सेलिंग प्राइस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि WIP का तो सेलिंग प्राइस जीरो होगा। कौन आधा बना हुआ टी शर्ट खरीदेगा जिसमें बटन नहीं है, ऊपर का कॉलर भी नहीं है और आधा बांह लगा, एक में बांह भी नहीं लगा हुआ है? कौन आधा बना हुआ पॉपकॉर्न लेगा? सो आधा बना हुआ WIP का सेलिंग प्राइस जीरो होता है या बेकार होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, लेस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट लेंगे WIP को फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने के लिए, और जो खर्चा लगने वाला है वो NRV से माइनस कर देंगे, और लेस सेलिंग एक्सपेंस लेंगे जिसको आफ्टर सेल कॉस्ट बोलते, माने इंक्रीमेंटल सेलिंग एक्सपेंस जो बोलते कि बेचते वक्त डिलीवरी देना होगा, कमीशन देना होगा, वो सब खर्चा माइनस करेंगे तो आपका NRV निकल जाएगा। NRV का मतलब नहीं समझे क्या कि ये WIP सच में आज के दिन आपको कितना NRV देने वाला है? WIP बेच के नहीं, फिनिश गुड्स बेच के। तो मान लो WIP तुमने 700 रुपए में बना रखी है WIP, और 200 रुपए लगा दोगे तो फिनिश गुड्स बन जाएगी, और 200 लगाने से, और फिनिश गुड्स बन जाने से तुम 1300 में बेच पाओगे, और 5% कमीशन लगेगा बेचने में 65 रुपया, तो आपका WIP का कॉस्ट 700 है, नॉट 900। WIP का कॉस्ट 700 है और WIP का NRV हुआ 1300 माइनस 65 माइनस 200, एंड 1300 माइनस 65 माइनस 200 का मतलब हो गया 1035। तो 700 और 1035, विच एवर इज लोअर आंसर इज 700। अब आइए फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं, सेम रूल, फिनिश गुड्स का कॉस्ट पता कर लो। सर कैसे? वैसे ही मटेरियल लेबर ओवरहेड, तीन तरह का कॉस्ट इंक्लूड होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज मींस रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मींस लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और अदर कॉस्ट मींस दोज अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, जिनके बिना इन्वेंट्री उस कंडीशन में नहीं पहुंचती जैसी वो है। तो कॉस्ट पता कर लीजिए, NRV पता कर लीजिए। अच्छा, यहां पे अगर मैं इस एग्जांपल को आगे बढ़ा के लूं तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 900 एंड NRV ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 1300 माइनस 65, क्योंकि फिनिश गुड्स में आप 200 रुपया फर्दर लगने वाला नहीं है ना, तो लग चुका है, हिस्ट्री हो चुका तो कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट इज 900, NRV इज 1300 माइनस 65, सो NRV इज 1235, विच एवर इज लोअर 900। सेम एग्जांपल को आगे बढ़ा दिया, नया एग्जांपल लेने का टाइम नहीं है, रिविजन करवा रहे हैं तो फुल फ्लेजेड डिस्कशन नहीं करेंगे, रिविजन टाइप का ही करेंगे। आगे, जब हम लोग इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं ना, तो तीन कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ता है, जैसा मैंने बोला, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल का खर्चा हो गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया, और अदर कॉस्ट पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अगर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना यूनिट बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा, तो जितनी इन्वेंट्री तुमने बनाई है, जो इन्वेंट्री तेरे पास पड़ी है, उसका पर यूनिट कॉस्ट बहुत आराम से निकलता है, बिकॉज वो यूनिट बेसिस पे तो लगता ही है। लेकिन अगर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल प्रोडक्शन
करने से फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल के आता है, और नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे जो फिक्स्ड ओवरहेड आया है उसी को क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके स्टॉक में लिया जाता है। लेकिन अगर आपका किसी साल में हाई प्रोडक्शन हुआ है, अब नॉर्मली हाई प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो फिर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसी से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ऐसा नहीं चलेगा कि अब नॉर्मली हाई प्रोडक्शन अगर हो गया है तो नॉर्मल प्रोडक्शन मान लीजिए कम है, 400 यूनिट नॉर्मल प्रोडक्शन है और आप सच्ची में प्रोडक्शन 700 यूनिट कर दिए हैं, तो 400 यूनिट से अगर आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मान लो 4000 है, आप डिवाइड करोगे तो 10 रुपया आ गया, 10 रुपया को 700 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो 7000 रुपया आ गया, तो ओवर अब्जॉर्प्शन हो गया, वो हम लोग करने नहीं देंगे। तो रूल इज फिक्स्ड ओवरहेड विल बी डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन, बट इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इन एनी ईयर इज मोर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन देन इवन फिक्स्ड ओवरहेड विल बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। अब अपने अगला डिस्कशन में चलते हैं कि सर जॉइंट प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है और बाई प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो बेसिक आंसर है कि बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन एनआरवी पे होता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट तो कूड़ा कचरा होता है ना, तो कूड़ा कचरा को बेच के जितना पैसा आपको मिलने वाला है सब काट कूट के, दैट इज द बाई प्रोडक्ट इन्वेंट्री का वैल्यू। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपका बाई प्रोडक्ट इज नॉट इन द नेचर ऑफ स्क्रैप, तो फिर आपको बाई प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट मान के जॉइंट प्रोडक्ट का वैल्यूएशन ही करना पड़ेगा। इट हैपेंस वेरी सेल्डम, बट इफ इट इज देयर देन देयर इज नो बाई प्रोडक्ट, टेल द बाई प्रोडक्ट दैट यू आर अ जॉइंट प्रोडक्ट, फिनिश्ड। सो नॉर्मली बाई प्रोडक्ट एनआरवी पे वैल्यू होता है। उसके बाद जो टोटल आपका जॉइंट कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने, जो टोटल आपका जॉइंट कॉस्ट लगा, मान लो 400000 जॉइंट कॉस्ट लगा, उसमें बाई प्रोडक्ट का जितना एनआरवी था, मान लो 12000 एनआरवी था, उसको माइनस करके 388000 जो निकला, इसको आप जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर दीजिए। 400000 को मत डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 12000 रुपया आपके, एक सेकेंड, क्योंकि 12000 रुपया आपके जॉइंट प्रोडक्ट का भी तो वैल्यू है ना, तो बाई प्रोडक्ट क्या नाम 12000 रुपया आपके बाई प्रोडक्ट का भी तो वैल्यू है ना, वो भी तो बैलेंस शीट में आप असेट साइड में लिखोगे ना, तो जॉइंट प्रोडक्ट को 388 ही एलोकेट कीजिएगा। अब जॉइंट प्रोडक्ट को 388 को जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड करें, मान लो देर आर 3 जॉइंट प्रोडक्ट ए बी सी, कैसे डिवाइड करें, देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, यूनिट बेसिस, सेलिंग प्राइस बेसिस, सेलिंग प्राइस एट द स्प्लिट ऑफ स्टेज, सेलिंग प्राइस एट द लास्ट स्टेज, बैक कैलकुलेशन, एनआरवी बेसिस, बहुत सारा बेसिस है। AS2 बोलता, आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, AS2 बोलता है कि आपकी एंटिटी में जो लॉजिकल हो, जो ट्रू एंड फेयर आंसर दे दे, वो वाला मेथड आप सेलेक्ट कर लो। वैसे AS का मानना है, AS2 का, कि जो सेल्स वैल्यू होता है ना, सेलिंग प्राइस नहीं, सेल्स वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट का, वो बहुत रैशनल मेथड माना जाता है। और अगर सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ स्टेज में, जब वो एक दूसरे से अलग हुए, उस वक्त अगर पता चल जाए तो वो भी लॉजिकल माना जाता है। वैसे तीसरा चौथा कुछ और भी आपके यहां लॉजिकल हुआ तो आप वो भी ले सकते हो। एस की नजर में जॉइंट प्रोडक्ट के लिए जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करने का ये दोनों मेथड लॉजिकल माना जाता है। अब आया बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आप A16 में भी पढ़ोगे। AS2 का बोलना है कि इन्वेंट्री में इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाना चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। हम लोग मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करते हैं,
और अदर कॉस्ट खाली वही वाला ऐड करते हैं विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन लाइक पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इंटरेस्ट ऐसा खर्चा नहीं है जो इन्वेंट्री में ऐड किया जाए, तो मत ऐड करो, खत्म हो गया बात। लेकिन एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है, मतलब ऐसी असेट है जिसको बन के तैयार होने में एक साल से ज्यादा का वक्त लगता है, जैसे दारू, जैसे रियल एस्टेट का बिल्डिंग, जैसे शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शिप, जैसे बोइंग का एरोप्लेन, जैसे टिम्बर इंडस्ट्री के टिम्बर्स, इनको बन के रेडी होने में काफी साल लगते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट को कॉस्ट में ऐड करने मिलता है बिकॉज द असेट इज ए क्वालिफाइंग असेट। तो क्वालिफाइंग असेट के लिए अगर आप लोन लेते हो तो लोन में इंटरेस्ट जो लगता है उसको आपको कॉस्ट में ऐड करने मिलता है। अब आया बात कि कुछ ऐसे खर्चे हैं, ऐसे तो जो जो खर्चा इन्वेंट्री में ऐड होने वाला है वो है मटीरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो इसके अलावा जो भी खर्चा बच गया उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड मत करो, काम खत्म। लेकिन फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने AS2 में बताया है स्पेसिफिकली कि ये सब खर्चा ऐड नहीं होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अबनॉर्मल लॉसेस ऑफ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब सर क्यों बताया ये सब, तो हम लोग ऐसे भी ऐड नहीं करते हैं, तो अलग से बता दिया मत ऐड करो। जैसे किसी ने बोला कि ड्रग्स लेना, ड्रग्स मत लेना, तो सर हम लोग ऐसे भी ड्रग्स नहीं लेते, फिर भी बोलते तो है ना लोग ड्रग्स मत लेना, तो वैसे AS2 ने बोल दिया। लेकिन हां, अगर आपको पता चलता है कि इसमें से कोई भी खर्चा, खास करके एडमिन ओवरहेड, अगर वो टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन के लिए लगा है, टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के लिए लगा है, तो फिर एडमिन ओवरहेड को एडमिन ओवरहेड और प्रोडक्शन नेचर मान करके उसको कॉस्ट में ऐड किया जाता है। कॉस्टिंग की क्लास में रंजन ने बताया होगा, मैं रंजन नाम इसलिए बोलता हूं कि मेरा स्टूडेंट है, वो बहुत छोटा है, रंजन सर नहीं बोलेंगे, रंजन ही है मेरे लिए। नाउ अब आया बात कि आपने जब आप छोटे होंगे, 11 12th में पढ़ते होंगे, बीकॉम में पढ़ते होंगे, तो आपको स्टोर्स लेजर पढ़ाया जाता होगा जिसमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बेस स्टॉक, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत सारे मेथड सिखाए जाते होंगे, हम लोग उसको कॉस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। ICAI ने AS2 में फीफो और वेटेड एवरेज को छोड़ करके बाकी सारे कॉस्ट फॉर्मूला को बैन कर दिया है। AS2 का क्वेश्चन में आप कभी भी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में फीफो वेटेड एवरेज छोड़ के किसी भी तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं करोगे, माने कॉस्ट नहीं निकालोगे फीफो और वेटेड एवरेज छोड़ के, दो ही मेथड अप्लीकेबल है। और फीफो और वेटेड एवरेज भी किस तरह की इन्वेंट्री के लिए, लार्ज नंबर में जो मैन्युफैक्चर होती है, इंटरचेंजेबल गुड्स जो होती हैं, पेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एक पेन बनाती कि करोड़ों पेन बनाती हैं, जल्दी बोलिए, एक बनता है कि करोड़ों बनता है, और ये दोनों पेन एक जैसा ही तो है ना, ये पेन ले लो या वो पेन ले लो, लिखेंगे दोनों से ही, तो पेन्स आर इंटरचेंजेबल गुड्स एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज नंबर। सो व्हेन यू मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल गुड्स यू कैन यूज फीफो और वेटेड एवरेज फिनिश्ड। लेकिन अगर आप स्मॉल नंबर में नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स बनाते हो, लाइक एरोप्लेन बनाते हैं आप, पेन के जैसा मैन्युफैक्चर होता है क्या कि मशीन में डालते गए, जैसे पेन निकलता गया 3 करोड़ पेन बन गया, वैसे 3 करोड़ एरोप्लेन बन गई, ऐसा होता है क्या? नो। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल नंबर एंड दे आर नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स, उसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड लगता है, फीफो वेटेड एवरेज नहीं लगता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मींस उस एरोप्लेन को बनाने में जितना खर्चा लगा उसको ढूंढो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, जितना खर्चा उस एरोप्लेन को स्पेसिफिकली बनाने में जितना खर्चा लगा आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट में ऐड कर दो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट। नाम कितना सुंदर मैच करता है,
अब आया कि हम लोग जब भी इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट होता है, एक्चुअल सच्ची में जो लगा हुआ कॉस्ट है वो है। मैं जितनी बार भी कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉस्ट कास्ट करता हूं ना, एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन सर्टेन केसेस में हमारा एस टू स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट की जगह लेने अलाउ करता है कि आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल के स्टैंडर्ड कॉस्ट को इन्वेंट्री में यूज कर लो, प्रोवाइडेड आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि वेरिएंसेस कम हैं। अब वेरिएंस क्या होता हमसे मत पूछना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्टिंग के सर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके वेरिएंसेस कम हैं और आप एक एफिशिएंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अपनी कंपनी में फॉलो करते हैं तो आपको ईयर एंड में इन्वेंट्री को एक्चुअल कॉस्ट की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेना फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एस टू अलाउ करता है। एस टू एक और चीज अलाउ करता है रिटेल बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगेन वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से कॉस्ट निकालना अलाउ करता है। मतलब आप सेलिंग प्राइस माइनस जीपी मार्जिन ऑफ द इन्वेंट्री से भी इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको कॉस्ट निकालने में ईयर एंड में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी इन्वेंट्री है रिटेल बिजनेस में, तो क्या करोड़ों करोड़ों इन्वेंट्री होती है। अब हम लोग के जैसे ग्रोसरी का रिटेलिंग है, बहुत इन्वेंट्री है, चाल आटा चावल दाल कई तरह का होता है, तो हम लोग के लिए कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते सेलिंग प्राइस माइनस जीपी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोलते हैं इसको, रिटेल मेथड भी बोला जाता है। लेकिन रिटेल मेथड से कॉस्ट निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कॉस्ट लेना, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अलाउ होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो तभी अलाउ होता है अगर वेरियंसेस आपके कम हो। अच्छा, जब भी आप इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे, अगर आपके पास चार तरह की इन्वेंट्री है, आइटम बाय आइटम बेसिस पे कॉस्ट एनआरवी निकालेंगे, मतलब चार तरह की इन्वेंट्री है तो चार कॉस्ट, चार एनआरवी, चार वैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि चारों का कॉस्ट जोड़ दो, चारों का एनआरवी जोड़ दो और लोअर ले लो, नो नो नो। इसका वैल्यूएशन अलग करो, इसका वैल्यूएशन अलग करो, इसका वैल्यूएशन अलग करो, इसका वैल्यूएशन अलग करो, वी गेट आइटम बाय आइटम वैल्यूएशन। सो जब भी आप इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट, हो गया अपना डिस्कशन, बस लास्ट, जब भी आप इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में लिखें, तो मैं कंपनी बैलेंस शीट में आपको पढ़ा रहा था कि इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP, स्टोर स्पेयर्स का ब्रेकअप देना पड़ता है। 2, अगर कोई इन्वेंट्री इन ट्रांजिट हो तो उसका भी नोट्स में लिखना पड़ता है। 3, इन्वेंट्री को लेकर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी भी नोट्स में लिखना पड़ता है। अच्छा, ये इन्वेंट्री का AS जो एग्रीकल्चर बिजनेस में होते हैं ना, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जिनके पास शेयर डिबेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है उनके लिए भी एप्लीकेबल, माने दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ AS2। और जिनके पास लाइव स्टॉक्स वगैरह हैं उनके ऊपर ये AS2 लगता नहीं है, और सर्विस प्रोवाइडर की जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर भी AS2 लगता नहीं है। तो एक्सेप्शन या स्पेसिफिक आइटम्स ऑन विच AS2 इज नॉट एप्लीकेबल, 1 इज WIP अराइजिंग इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, 2 इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, 3 इज दैट लाइव स्टॉक इन्वेंट्री एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इन्वेंट्री। थैंक यू, AS2 का रिविजन इज ओवर।